इसी तरह इस बार उत्तर प्रदेश की भी जनता जो है एकदम एक तरफा जो है अखिलेश यादव की तरफ और 350 के साथ अखिलेश यादव सरकार मुख्यमंत्री बनेंगे। आज भी हिंदुस्तान में जो है मुसलमानों की आवाज़ 50% जो सेकुलर लोग हैं उठाते हैं, कौन कह दिया कि असुद्दीन ओवैसी उठा रहे हैं? महंगाई को लेकर सबसे जनता ज़्यादा परेशान है पूरे हिंदुस्तान में, खाली रोजगार, युवा पढ़ पढ़ के जो है कि बेरोजगार है, कोई महाराष्ट्र जा रहा है, कोई गुजरात जा रहा है, कोई कहीं भी जा रहा है, या ना कोई यूपीएम ना मैन्युफैक्चरिंग है, ना कंपनी है, ना कुछ भी है, रोजगार का मुद्दा सबसे ऊपर है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं द सुनामी का चुनावी सफर। मऊ में मौजूद हैं और यहां से जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यहां की जनता क्या चाह रही है, मुसलमानों के क्षेत्र में इस समय है और उत्तर प्रदेश का मुसलमान क्या चाह रहा है वो हम जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ओवैसी साहब भी दावा कर चुके हैं 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का। सीटें हालांकि निश्चित नहीं हुई हैं कि वो 100 सीट कौन सी होंगी, लेकिन बात हम करेंगे यहाँ से लोगों से और जानेंगे कि मुसलमान किस तरफ जाएगा, क्या मुद्दे जो हैं मुसलमान के लिए रहेंगे, तो जानेंगे और समझेंगे कि क्या स्थिति है, लोगों से बातें करते हैं, समझेंगे कि क्या यहाँ के लोग चाह रहे हैं, सभी से बात करेंगे। कि आपका क्या नाम है? सिराज अहमद। तो बताएं, इस बार सरकार से खुश हैं कि ना खुश हैं? सरकार से खुश नहीं है। खुश नहीं? जी जी। क्यों? अरे ये जो है सरकार मुसलमानों पर बहुत अत्याचार करती है, इस वजह से खुश नहीं है। तो किसकी तरफ रुख करेंगे? समाजवादी आए। ओवैसी साहब दावा कर रहे हैं आने का? ओवैसी साहब तो दावा कर रहे हो तो चुनाव लड़ेंगे। हाँ। लेकिन उसका कुछ असर नहीं पड़ेगा। असर नहीं होगा? जी जी। ओवैसी साहब की तरफ आप नहीं जाएंगे? नहीं नहीं, अखिलेश की तरफ जाएंगे। लेकिन ओवैसी साहब तो मसीहा बनते हैं, जो मुसलमानों के हमेशा मुसलमानों की बात है। मसीहा तो हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन भाई वोट के लिए उनको नहीं है, वोट नहीं देंगे? नहीं नहीं। तो वो मुसलमानों के मसीहा हैं तो उन्हीं को जिताइए फिर। नहीं तो वो नहीं ना जीत पाएंगे। नहीं जीत नहीं पाएंगे। तो समाजवादी की तरफ आप लोग जाएंगे? समाजवादी की तरफ। जी, आपका क्या नाम है? हमारा नाम रियाज अहमद है। तो बताएं जरा कि किस तरफ रुख करेंगे इस बार? ओवैसी साहब भी दावा कर रहे हैं 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, और ये मुस्लिम क्षेत्र है तो क्या पता यहाँ से भी लड़ें। ऐसा है कि असुद्दीन ओवैसी साहब जो है ये बीजेपी के एजेंट हैं। अच्छा। इनका काम है मुसलमानों का नुकसान करके भाजपा को फायदा पहुँचाना। कहीं से ये मुसलमानी हिमायती आदमी नहीं है। और इस बारी सीधा सीधा जिस तरफ बंगाल के मुसलमानों ने मुँह तोड़ जवाब दिया है भाजपा को, इसी तरह इस बारी उत्तर प्रदेश की भी जनता जो है एकदम एक तरफा जो है अखिलेश यादव की तरफ और 350 के साथ अखिलेश यादव सरकार मुख्यमंत्री बनेंगे। तो अखिलेश जी से आपको उम्मीद है कि अखिलेश जी जो है मुसलमानों के लिए काम करके देंगे? बहुत बहुत एकदम अखिलेश यादव 100%। बीजेपी है जो इतनी महंगाई कर दी है, 2800 रुपया में कड़ुआ तेल हो गया है, गैस हो गया है, कौन चीज़ सस्ता है, यही अच्छे दिन है भाई। हमें ये अच्छा दिन नहीं, हमें वही बुरा दिन वापस आप कर दीजिए। टिकट बढ़ गया है, प्लेटफार्म टिकट बढ़ गया, ट्रेन का भाड़ा बढ़ गया, जनता अस्पताल में दवाई का दाम बढ़ गया, जनता भूखी मर रही है। इन लोगों को कोई अच्छे दिन भाजपा वालों के आए हैं, और सरकार के जो है उनके अच्छे दिन आए हैं, जनता के तो बुरे दिन आए हैं। बस अब ये सरकार से एकदम जनता जो है एकदम ये हो चुकी है, परेशान हो चुकी है। अब सिर्फ अखिलेश यादव, अखिलेश यादव। चलिए, तो और कुछ लोगों से हम लोग बात करेंगे कि क्या यहाँ के लोग चाह रहे हैं, और उनसे जानेंगे कि क्या स्थिति है। आगे आएंगे तभी तो, कैमरे के पीछे थोड़ी बात करेंगे। जी जी जी, क्या नाम है आपका? हम लोग को यही भाई धन्यवाद है कि सपा की सरकार 2022 की लाना है और योगी जी को हराना है। योगी जी को हराने तो ओवैसी साहब भी तो कह रहे हैं, हम भी योगी जी जाएंगे। ओवैसी साहब जो हैं, ओवैसी साहब भी कह रहे हैं कि हम लोग भी आके चुनाव लड़ेंगे। ओवैसी साहब को लड़ने दीजिए, हम लोग सपा को वोट देंगे जितने समाजवादी। ओवैसी साहब जहाँ से आए वहीं चले जाएंगे। ओवैसी साहब जहाँ से आए हैं हैदराबाद में अपने राजनीतिक, एक मिनट रुके बात करेंगे सबसे। तो ओवैसी साहब जो है वो मुसलमानों की बात हमेशा रखते हैं, संसद में मुसलमानों की बात रखते हैं, तो आप लोग भरोसा क्यों नहीं कर रहे? यूपी में उनका क्या जनाधारा है? यूपी में उनका क्या जनाधारा है? कुछ भी जनाधार नहीं है। तो जहाँ पे उनका जनाधार है वहाँ पे वो देखें, ठीक है, वो बात कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं, अच्छी बात है, करना चाहिए उनको। लेकिन मेन मुद्दा महंगाई का है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हर कोई जनता महंगाई से जो है कि एकदम ऊब चुका है। पहले 400 के साढ़े 300 की गैस जो आती थी, आज 900-1000 रुपये की हो गई है। और आम आदमी की इनकम जो नहीं बढ़ी, जो सरकार में जो सत्ता में है वो अपने हिसाब से चल रहे हैं।
इनको कोई जनता की फिक्र नहीं है। ये लोग डीजल आप बताएं, एक आपके पास एक आ रहा हूं, दोबारा आ रहा हूं, आप बताएं कि आप युवा हैं, आपके लिए क्या मुद्दा रहने वाला है चुनाव? युवा का यही दोष है कि हम लोग के पास यही है कि लूम उम का काम होता है, साड़ी का, बिनाई का। हम लोग के अरे बढ़िया से काम चले, कोई माल भी नहीं जा रहा है लॉकडाउन वॉकडाउन से, और सब महंगाई बढ़ रही है, डीजल का दाम भी बढ़ा दिए हैं, 90 रुपया लीटर कर दिए, 60 रुपये से लीटर से। जी आज भी हिंदुस्तान में जो है मुसलमानों की आवाज़ 50% जो सेकुलर लोग हैं उठाते हैं, कौन कह दिया कि असुद्दीन वैसी उठा रहे हैं और लोग नहीं उठा रहे हैं? वही कह रहे थे कि ये जितनी अफवाह ये सब गलत है, मुसलमान पर कोई भी बात आती है सब लोग आवाज़ उठाते हैं, कोई ये नहीं है कि वैसी साहब खाली उठाते हैं, सभी लोग उठाते हैं। हमारे हिंदू भाई बहुत लोग हैं जो हमारे लिए मरते हैं जीते हैं, ये चंद लोग जो हैं नफरत की राजनीति करते हैं, योगी हैं भाई, इनको बस बस ये बाबा हैं, ये जाके घंटा बजाएं और मंदिर में रहें, और राजा सबका होता है। योगी जी भी तो कहते हैं कि वो सबकी बात रखते हैं, चाहे सड़क बनी सबके लिए बनी, राशन मिल रहा है सबको मिल रहा है। सड़क भैया ये चलिए देखिए, गड्ढा देखिए, साला पांव टूट जाता है, गाड़ी पंचर हो जाती है, चलिए देखिए कहाँ सड़क बनी है, खाली गड्ढा में विकास है, सिर्फ लफ्जों में विकास है, जैसे हाथी के दांत खाने का कुछ और दिखाने का कुछ और, इसी तरह भाजपा वाले हैं, कहते कुछ है रहे और होता कुछ और है। बताइए को कहते थे कि बहुत हो चुकी महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार कड़ुआ तेल चला गया 2800 रुपया, अरे कनेस्टर चला गया, पेट्रोल चला गया 110 रुपया, मोदी जी कहते थे, हम आए थे कि 35 रुपया पेट्रोल बेचेंगे, तो भैया बताइए 35 रुपया कहाँ बेचे? खाली आपको पाकिस्तान में 75 रुपया टमाटर देख रहा है, अब भारत में क्या बिक रहा है ये नहीं आपको दिखाई दे रहा है? जब कोई बात हिंदू मुसलमान, महंगाई भी हिंदू मुसलमान, हर चीज़ में हिंदू मुसलमान, अरे भैया जब आप कहें सबके प्रधानमंत्री हैं, सबका विकास कीजिए। तो और कुछ लोगों से जानेंगे जी, क्या कह रहे हैं? बस एक ही एजेंडा है इनकी, कोई भी मर्ज इनका बस एक ही इलाज है, कुछ भी हो मुसलमानों को उसमें बीच में डाल दो, इनका कोई भी मुद्दा हो मुसलमानों को बीच में डाल दो, इनका कोई भी हो। गैस का दाम बढ़ गया, महंगाई को लेकर सबसे ज़्यादा जनता परेशान है, महंगाई को लेकर सबसे जनता ज़्यादा परेशान है पूरे हिंदुस्तान में, खाली रोज़गार, युवा पढ़ पढ़ के जो है कि बेरोज़गार है, कोई महाराष्ट्र जा रहा है, कोई गुजरात जा रहा है, कोई कहीं भी जा रहा है, या ना कोई यूपी में मैन्युफैक्चरिंग है, ना कंपनी है, ना कुछ भी है, रोज़गार का मुद्दा सबसे ऊपर है। योगी जी तो बोले कि इन्वेस्टमेंट कराए MSME की, MSME के जरिए 1.5 करोड़ लोगों को रोज़गार मिला, 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी। आप MSME की बात कर रहे हैं, MSME की बात कर रहे हैं, हमारा हमारा खुद का उद्योग है, हमारा खुद का उद्योग है, बुनकर उद्योग है। बताइए योगी जी या कोई भी सरकार क्या व्यवस्था की है, हम जो माल बना रहे हैं बाहर तक जा नहीं रहा है, बिक नहीं रहा है, कोई लेने वाला नहीं है, हम 150 रुपये का जो माल बना रहे हैं 140-130 रुपये का बिक रहा है, 300 का जो बना रहे हैं 250 का बिक रहा है, वो भी बिक नहीं रहा है, कैसे कैसे हम बेच रहे हैं वो हमें पता है, लेकिन यहाँ से कम पूरे ज़िले में करोड़ों लोग जो है कि जुड़े हुए हैं इससे, इस उद्योग से, इस उद्योग के लिए कुछ करना चाहिए। जो हमारे पास बिजली बिल जो आती थी अखिलेश सरकार ने जो 72 रुपये किया था, आज वो जो है कि वो फिक्स कर रहे हैं रेट, हाँ 300 रुपये, 450 रुपये, 500 रुपये, कोई इनका ये नहीं है, तो इन सब मुद्दों पर बात होनी चाहिए। अरे संदीप चौधरी का भी ब्याह था, 80 लाख सरकारी नौकरी चली गई थी, रोजगार कहाँ देंगे? 80 लाख जिसकी पक्की नौकरी थी सरकारी नौकरी वो चली गई, तो बताइए नया रोजगार कहाँ देंगे, जिसकी कोई गारंटी नहीं कि वो नौकरी वापस आएगी नहीं आएगी। अब लड़का MBBS पढ़ के पकौड़ा छानेगा तो क्या जो MBBS पढ़ाने की, बताइए मैं देखिए बर्बाद करके इतना समय जो दिया MBBS पढ़े है, चाहे MD किया या कुछ भी किया है, समय देखे क्या मतलब है, जब पकौड़ी ही बनाना है भाई, जब से बच्चा बड़ा हो जाए उनको पकौड़ी बनाना चालू कर दो। जनता बोल रही है अखिलेश यादव बस, हाँ समाजवादी 350 के साथ सरकार बनाने जा रही है, हमारे माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। तो अखिलेश यादव की तरफ यहाँ पे रुख है लोगों का, और जो मुद्दे हैं जो अहम मुद्दे यहाँ पे बताए जा रहे हैं, जी सर आप आए इधर तो आपसे बात करें, तो जो अहम मुद्दे बताए जा रहे हैं महंगाई और रोजगार का मुद्दा जो है, तो जी सर आपका क्या नाम है और बताएं सरकार से खुश हैं कि नाखुश हैं? मैं तो सरकार से खुश हूँ भाई, सरकार से खुश है। 75 सालों में जितनी भी सरकार आई अभी तक किसी ने मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं किया। अच्छा, इस सरकार ने किया। मंत्री जी जैसे भी हैं हमारे लिए, मुसलमानों के लिए, गरीबों के लिए बहुत ही अच्छे हैं। तो यहाँ तो सभी लोग नाखुश दिखाई दे रहे हैं, गरीबों की आप बात कर रहे हैं अच्छे हैं, मैं आप सवाल सुन लें कि गरीबों की आप बात कर रहे हैं अच्छे हैं, तो महंगाई आप देख ही रहे हैं, महंगाई से आप मना नहीं कर सकते ना कि पेट्रोल 100 के पार हो गया, गैस सिलेंडर 900 का हो गया, इस चीज़ से इनकार कर। नीतियाँ हैं ये, तो नीतियाँ हैं, महंगाई की भाई
मोदी महंगाई से गरीब का भला कैसे होगा? भला नहीं हो रहा है, मगर जो आज तक कपड़े में टीन में रहता रहा, एक नस्ल गुजर गई, उनके घर में कभी डांट नहीं लगा, छत के मकान में नहीं रहे। जब से मोदी जी की सरकार आई है, कम से कम हजारों नहीं लाखों करोड़ों मुसलमान आयुष्मान कार्ड 5 लाख का सालाना लाभ उठा रहे। अच्छा। हर घर आज छत से निर्मित होता जा रहा है, शौचालय का निर्माण हो रहा है। वही चीज जानना चाह रहा हूँ, आप सुने, ये बहुत अहम बात है कि जिन लोगों के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं, योजनाएं तमाम बनाई गई, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे आयुष्मान योजना की साहब बात कर रहे हैं, चाहे किसान सम्मान निधि हो, जब हम जमीन पर उतरते हैं तो लोग जो है उन योजनाओं के बारे में हमें बताते नहीं, और नहीं बताने की वजह सिर्फ एक है, वो योजनाएं जो है उनके पास तक पहुंच नहीं रही हैं। पहुंचती तो बताते, नहीं पहुंच रही। सर, जिन लोगों के लिए योजनाएं बनी हैं उन लोगों के पास तक जब तक पहुंचेंगे नहीं तो क्या लाभ उन योजनाओं का? बात तो आपकी सही है। जब तक लोगों तक पहुंचेंगे नहीं, घर घर लोग जानेंगे नहीं। आज शौचालय के लिए, आवास के लिए ये बातें आम लोगों तक पहुँची, उसका हर वर्ग का लोग उसका फ़ायदा उठाया, और तमाम योजनाएं हैं, नेता लोग अगर उसको नहीं पहुंचने दे रहे हैं तो ये हमारे सरकार की कहीं ना कहीं से कमियां हैं। इसको डोर टू डोर पहुंचाने का काम करना चाहिए, जिससे कि हर जाति वर्ग का लोग इसमें इसका लाभ उठाए। तो वही तो हम जानना चाह रहे हैं, क्योंकि आप डेटा दिखाते नहीं हैं, कुछ भी ऐसा नहीं पता चलता। जिससे कि आम साधारण जनता उसका लाभ उठा सके। तो वही तो, तभी तो जनता नाराज दिखाई दे रही है यहाँ पे, आप कह रहे हैं सभी लोग खुश हैं। खुश है, नहीं रहेगी, कोई खुश नहीं है। ये कोई, ये भाजपा के प्रवक्ता है, ये अपनी बात रख रहे हैं, ये भाजपा एक ही तरफ से जो के बोलेंगे, तो इसमें कोई बात नहीं है। जो 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 मुद्दा है महंगाई का मुद्दा है, मैं कह रहा हूँ 400 का जो सिलेंडर बिक रहा था, आज 1000 का कैसे बिक रहा है? वही स्मृति ईरानी जो है कि सिलेंडर ले लेकर रोड पे जो है कि दौड़ती थी, आज कहाँ है वो? जवाब दीजिए की बात है, जवाब दीजिए, ये भाजपा के प्रवक्ता ये करे, जवाब 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 हम ले ले। हम तो किसी का, हम तो जनता की बात कर रहे हैं। आज तक 75 सालों में कौन सी गवर्नमेंट है जो गरीबों के लिए, मुसलमानों के लिए किसी ने कोई काम किया हो हकीकत में? तो वही तो, उस सिलेंडर, हम अभी गाँव गाँव गए, सिलेंडर देख रहे, सिलेंडर कोने में रखा हुआ, आदमी महिलाएं चूल्हा जला रही है। अरे तो पूछ लीजिए, 10 साल से ये भी सरकार है, आप 75 जो जुड़ा रहे हैं, 10 साल तो ये भी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, इन्होंने क्या किया? कानून का राज चल रहा है, कानून का राज चल रहा है, भ्रष्टाचार तो हर जगह। महंगाई का मुद्दा रहेगा कि नहीं रहेगा? महंगाई का मुद्दा तो 100% रहेगा, महंगाई से जनता परेशान है, बहुत परेशान है, इसमें कोई शंका नहीं है। इस पर दिल्ली सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, जिससे गरीब आज जो 70 रुपया 60 रुपया लीटर कड़ू तेल लेता था, 60 रुपया 65 रुपये में पेट्रोल भराता था, आज उसी की कीमत 100 क्रॉस है, इनकम कम है, ख़ास तौर से मुसलमान बुनकरों का माली हालत दिन पे दिन बस से बदतर होता जा रहा है, कमाई 98 खर्चा रुपये का हिसाब है यहाँ पे, तो जिसकी वजह से बदहाली दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। बात यूपी गवर्नमेंट नहीं, ये तो सरकार में है। अब आप समस्या गिना दे रहे हैं, उसके बाद बोल रहे हैं कि गरीब खुश है। गरीब खुश हैं भाई, हर कोई 5 उंगली बराबर तो नहीं हो सकती है, जिनको लाभ मिल रहा है वो खुश है, जिनको नहीं मिल रहा है वो आम खट्टा कहेंगे, नींबू को खट्टा तो कहेंगे। नहीं नहीं, 110 रुपए के पेट्रोल से किसको लाभ हो रहा है? सभी के पास, गरीबों के पास गाड़ियां कौन सी होती हैं आप बता दें? किसी गरीब के घर में जिनके पास में टिन नहीं है, कपड़ेल नहीं हो, उनके पास वो गाड़ी रखेंगे, 100 रुपये लीटर का तेल भरवा करके वो चलेंगे? इनसे पूछ लीजिए, गाड़ी का जो कॉन्ट्रैक्ट है, सिर्फ जो गाड़ी से है तेल का कॉन्ट्रैक्ट, जो माल आएगा, सब्जी आएगी, चावल आएगा, चीनी आएगी, जो भी आएगा, किससे आएगा? मालगाड़ी से आएगा या ट्रक से आएगा? तो तेल ही से ना आएगा। मैं कह रहा हूँ, अगर 100 रुपये आप तेल का रेट आप फिक्स कर दिए, और जो कि पहले जो है कि उनको 70 रुपये मिलता था, वो 30 रुपये किससे लेंगे? जनता से लेंगे ना, जनता से ले रहे हैं, जनता दे भी रहे हैं। तो किसान भी, किसान भी परेशान है, ट्रैक्टर चला रहे हैं किसान खेत में, डीजल हो गया 100 का। तो किसान तो अपनी मांग को लेकर के जो जेन्युइन है, आज 8 महीने से किसान पूरे देश में किसान की बात नहीं सुन रहे आप लोग, किसान की बात सभी कोई, हर गरीब अमीर सभी तबका उनके साथ है, सरकार सब साथ नहीं। जिस तरह से वो अपने कानून को बदलवाने के लिए किसान वर्ग, उनके नेता लोग, पूरे देश के लोग एकजुट होकर अपने नेता की बात मान रहे, आज सड़क पर है, तेल की महंगाई हुई, दाल की महंगाई हुई, प्याज टमाटर किसी भी चीज़ की महंगाई हुई, तो जो गरीब हो अमीर हो सबको मिल करके अपनी मांग को मनाने का सबसे अच्छा माध्यम होता है रोड आंदोलन। हमें तो आंदोलन तो करें, हम सिर्फ मुंह से चिल्लाएंगे, करेंगे कुछ नहीं, चिल्ला के अपने घर में जाके आराम से सो बैठेंगे, तो हमको अपना हक कैसे मिलेगा? तो आप कह रहे हैं कि काम, अपना काम धाम छोड़ के आंदोलन करें सड़क? करना चाहिए, अपना हक, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, ये
मतलब आप अपनी नीतियां ठीक नहीं करेंगे, हम लोग आंदोलन करते हैं। नीतियां तो उनकी गड़बड़ हैं कुछ। छह महीना से किसान आंदोलन कर रहे हैं। जवाब तो ले लें, जवाब ले लें, आपके पास आ रहा हूँ मैं। बोले आंदोलन आप कह रहे हैं काम धाम छोड़ के हम लोग सड़क पे आके आंदोलन करें। वैसे भी दिन का दिन बैठा ही रहता है रोड के किनारे लोग, बैठा बीड़ी फूकता रहता है, पान खाता, चाय पीता। चलिए जी, आप क्या कह रहे हैं, फिर खत्म करेंगे इस बात। ये कह रहे हैं कि जो है कि आंदोलन जो है कि पब्लिक पूरी करे रोड पे आके, सबको रोड पे लेना है। वो तो एक बार लाइन में लगा दिए, जब से सरकार बीजेपी है सब लोग लाइन ही में लगे हुए हैं। कोई आधार छपवा रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, सिर्फ लाइन ही लाइन है 10 साल में। और क्या हुआ है? आंदोलन की बात कर रहे हैं, किसान 6 महीने से जो है कि गाजियाबाद बॉर्डर पर जो है कि पड़े हुए हैं, कौन सुन रहा है उनकी? लाठियां बरसाई जा रहे हैं, यहां तक कि उनको देशद्रोह का जो है कि आरोप भी लग रहा है। तो आंदोलन की बात कर रहे हैं बीजेपी वाले। आखिरी सवाल आपसे करके फिर मैं वीडियो खत्म करूंगा कि आंदोलन की आप बात कर रहे हैं, मुकदमे लगातार आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, आप कहीं सड़क पे निकल नहीं सकते हैं, थोड़ी दूर चलेंगे आपके पर उनका मुकदमा दर्ज हो जाएगा। भाई अपना देश गुलाम था, आज़ादी यूं ही नहीं मिली, हजारों हजारे गर्दनें फांसी के फंदे पर लटका दी गई। तो मतलब मुकदमा हम झेलते रहे? तो मुकदमा तो साधारण सी चीज़ है, जान से भर के तो मुकदमा नहीं है। जहाँ पे आज़ादी पाने के लिए हमारे वीरों ने पेड़ के पूरी शाख पे गर्दनें लटक रही थी, कत्लेआम हो रहा था, इतनी जद्दोजहद और मेहनत के बाद अपना मुल्क आज़ाद हुआ, उसकी बनिस्बत अगर देखा जाए तो ये मुकदमे कुछ नहीं है। अपना हक लेने के लिए सड़क पे आना होगा, मुत्तहिद होना होगा, जब ही आपको अपना हक मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपना हक लेने के लिए सड़क पे आना होगा। यहाँ पे मुसलमान जो है काफ़ी नाराज़ दिखाई दिया और अखिलेश की तरफ रुख किया और कुछ खुश भी दिख रहे हैं। और खुश किसान जो है वो भाजपा की तरफ जाएंगे या नहीं जाएंगे, मुसलमान जो है वो हमें देखना होगा। आम जनता की क्या परेशानी, वो आप देख रहे हैं कि महंगाई से त्रस्त यहाँ पे, बेरोजगारी से परेशान यहाँ पे लोग, तो किस तरफ रुख करेगा यहाँ का मुसलमान? घोषी विधानसभा मऊ में हम लोग मौजूद हैं, आगे की तस्वीर क्या होगी वो हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। तो जुड़े रहें हमारे साथ और शेयर करें वीडियो को, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हौसला हमारा ही बढ़ेगा, हमें भी खुशी होगी, आगे आपसे जो भी तस्वीर होगी वो दिखाना शुरू करेंगे। तो जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें सुनामी, तब तक की नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।